और बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बता दें कि रमेश चंद्रोला समेत कई प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मोहन प्रकाश बिहार के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। चिल्ला कुमार मेघालय के, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। बड़ी खबर कांग्रेस से इस वक्त की, अजय कुमार भी प्रभारी बनाए गए हैं। अजय कुमार तमिलनाडु पुदुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भरत सिंह सोलंकी जम्मू कश्मीर के प्रभारी बने हैं। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के प्रभार पर हैं, उनको प्रभार दिया गया है। और सुखविंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं। और इसके अलावा देवेंद्र यादव पंजाब कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने हैं सचिन पायलट। मुकुल बासनिक को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस में ये पहली सर्जरी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। और इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। चुनाव तक मध्य प्रदेश का प्रभार भी रणदीप सुरजेवाला के पास था। प्रियंका गांधी बिना किसी चार्ज के प्रभारी नियुक्त की गई हैं। कांग्रेस में ये पहली सर्जरी है। और जितेंद्र असम के प्रभारी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश का उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसके अलावा दीपक बाबरिया दिल्ली के प्रभारी बनाए गए हैं। हरियाणा का अतिरिक्त उनको प्रभार दिया गया है। और कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी। बता दें कि जीए मीर झारखंड के प्रभारी और बंगाल का उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसके अलावा बात की जाए दीपा की, तो दीपा दास मुंशी केरल लक्षद्वीप की प्रभारी बनाई गई हैं।